हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ और डिजिटल क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई टीच यू मैथ सब्जेक्ट। आवर टॉपिक इज व्हाट कम्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में आने वाली संख्या। सब इससे पहले हमने फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 100 करी थी, फिर हमने व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, आज हम करेंगे व्हाट कम्स बिटवीन, यानी बीच में आने वाली संख्या। सबसे पहले मैंने काउंटिंग 1 to 60 लिखी हुई है, इन्हीं के आधार पर आज हम बीच में आने वाली संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 60 तक की काउंटिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ लुक एट द बोर्ड एंड स्पीक काउंटिंग 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। इन्हीं काउंटिंग के बेस पे आज हम बिटवीन यानी बीच में आने वाली संख्याएं लिखेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 58, 22, 24, 26, 58, 22, 24, 12, 14, 55, 57. Okay students, now we start. 1, 3, 1, 3 between, यानी 1 और 3 के बीच में कौन सी डिजिट आएगी देखते हैं। 1, 3, 1, 3, 1 और 3 between, 1, 3 between, यानी बीच में कौन सी डिजिट है स्टूडेंट्स, 2। कौन सी डिजिट है, 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे 5, 7। अब देखते हैं 5 और 7 के बीच में कौन सी डिजिट आती है। 5, 7, 5, 7 के बीच में कौन सी डिजिट है स्टूडेंट्स, 6। कौन सी डिजिट है, 6 लिख दिया। ओके 9, 11। अब देखते हैं 9 और 11 के बीच में कौन सी डिजिट है, ये 9, ये 11। अब देखते हैं 9 और 11 के बीच में कौन सी डिजिट है, 10। कौन सी, 10। के 13, 15। अब देखते हैं 13 और 15 के बीच में कौन सी डिजिट आती है, 13 और 15। 13, 15 के बीच में कौन सी डिजिट है, 14। कौन सी डिजिट है स्टूडेंट्स, 14। तो हम यहाँ लिखेंगे 14। ओके स्टूडेंट्स, 18, 20। अब देखते हैं 18 और 20 के बीच में, 18, 20। 18 और 20 के बीच में कौन सी डिजिट है स्टूडेंट्स, 19। कौन सी डिजिट है, 19। तो हम यहाँ लिखेंगे 19। के
24, 26. अब देखते हैं 24 और 26 के बीच में कौन सी डिजिट आती है. 24, 26. 21 की लाइन में जाइए, 21 की लाइन में आते हैं ना 24 और 26. तो 24 और 26 के बीच में कौन सी डिजिट है, 25. कौन सी डिजिट है, 25. तो हमने लिखा यहाँ पे 25. के नेक्स्ट है 28 30. ये कौन सी, ये 28 और 30 कौन सी लाइन में आते हैं, 21 की लाइन में आते हैं. तो अब देखते हैं 28 और 30 के बीच में कौन सी डिजिट है, 29. 29. नेक्स्ट हमारा 33 और 35 कौन सी लाइन में आते हैं, 31 की लाइन में. ओके, 33 और 35. अब देखते हैं 33 और 35 के बीच में कौन सी डिजिट है, 34. कौन सी डिजिट है, 34. ओके, अब 37 और 39. देखते हैं 37, ये भी 31 की लाइन में आता है. 37 39 के बीच में कौन सी डिजिट, 38. ओके स्टूडेंट, 40 को 40 बोलते हैं, 40 42. तो 40, देखो 40 और 42 के बीच में कौन सी डिजिट है, 41 लिख दिया. ओके, नेक्स्ट हमारा 45 47. अब देखते हैं 45 और 47 के बीच में कौन सी डिजिट आती है, 45 47 के बीच में आएगी 46. नेक्स्ट 49 51. अब देखते हैं 49 51 के बीच में कौन सी डिजिट है, 50. कौन सी डिजिट है, 50. ओके, अब देखते हैं 52 54 के बीच में कौन सी डिजिट है, 53. नेक्स्ट 56 58 के बीच में है, 57 57. ओके, नेक्स्ट 22 24. अब देखते हैं 22 और 24 के बीच में कौन सी डिजिट आती है, 22 24 के बीच में, यानी बिटवीन 23 23 के 12 14. 11 की लाइन में आता है 12 12 14 12 14 के बीच में. देखो स्टूडेंट्स कौन सी डिजिट लिखी हुई है, 13. कौन सी डिजिट लिखी हुई है, 13. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 55 57. अब देखते हैं 55 और 57 के बीच में कौन सी डिजिट है, 55 57 के बीच में है 56. ओके स्टूडेंट, इस प्रकार हमने बीच में आने वाले, यानी व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन का मीन्स बीच में आने वाली डिजिट. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इनको, 1 2 3, यानी 1 और 3 बिटवीन, 1 3 बिटवीन 2 1 3 बिटवीन 2, 5 7 बिटवीन 6 9 11 बिटवीन
10, 13, 15 between 14, 18, 20 between 19, 24, 26 between 25, 28, 30 between 29, 33, 35 between 34, 37, 39 between 38, 40, 42 between 41, 45, 47 between 46, 49, 51 between 50, 52, 54 between 53, 56, 58 between 57, 22, 24 between 23, 12, 14 between 13, 55, 57 between 56. इस तरीके से हमने बिटवीन यानी बीच में आने वाले डिजिटों को कंप्लीट किया। सबसे पहले आप अपनी मैथ्स की नोटबुक में 1 से लेकर 60 तक की काउंटिंग, मैंने यहाँ 1 से लेकर 60 तक की काउंटिंग में से ही आपको बीच में आने वाले डिजिट लिखी हैं, तो आप अपनी नोटबुक में 1 से लेकर 60 तक की काउंटिंग लिखें, फिर आप इन डिजिट को लिख के उनके बीच में आने वाले डिजिट यानी बिटवीन लिखें। ओके, अभी हमने बिटवीन यानी व्हाट कम्स बिटवीन के बारे में पढ़ा, अब हम मैच द सेम नंबर्स, समान संख्याओं का मिलान करना है। मैच द सेम नंबर्स जो टॉपिक है वो है मैच द सेम नंबर्स। मैंने यहाँ कुछ डिजिट लिखी हुई है, एक बार मैं आपको डिजिट रिवाइज करके बता देती हूँ। 4, 7, 10, 16, 19, 24, 28, 32, 38। ओके, 16, 10, 4, 24, 7, 32, 19, 38, 28, 42, 55, 59, 62, 67, 75, 84, 92, 98, 59, 62, 67, 55, 42, 92, 98, 84, 75। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ कुछ डिजिट लिखी हुई है, सेम ऐसे ही डिजिट यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो आपको देखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है 4, क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 इस रो में भी 4 है, तो आपको देखना है कि 4 कहाँ है, 4 तो 4 यहाँ 4 है, यहाँ पर भी आपको 4 मिलेगा, तो 4 को 4 से मैच करना है, सेम डिजिट को सेम डिजिट से मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मैच करते हैं, नाउ स्टार्ट 4। अब देखिए 4 या इस रो में कहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 4 देखो, 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो इस 4 को इस 4 से हमें क्या करना है, मैच करना है, तो इस तरीके से हमने इसको मैच कर दिया स्टूडेंट्स। अब है 7, अब क्या लिखा हुआ है 7, तो अब देखो आप कि इस रो में 7 कहाँ लिखा हुआ है, 7। ओके, तो 7 को किससे मैच करना है, 7 से मैच करना है इस तरीके से। इसके बाद है 10, अब आप देखिए इस रो में 10 कहाँ लिखा हुआ है, 10, तो आपको 10 को 10 से मैच करना है, सेम डिजिट से मैच करना है। ओके, 16, अब आप देखिए इस रो में 16 कहाँ लिखा हुआ है, 16, तो 16 को 16 से मैच करना है। 19, अब देखिए 19 कहाँ लिखा हुआ है इस रो में, 19, तो अब 19 को आपको किससे मैच करना है, 19 से। 24, अब आप देखिए 24 कहाँ है इस रो में, 24, तो 24 को 24 से मैच किया। 28, अब आप देखिए 28 कहाँ है इस रो में, 28, तो आपने 28 को 28 से मैच कर दिया, सेम नंबर। ओके, 32 देखें इस रो में, 32, तो 32 को 32 से मैच किया। 38, अब 38 को 38 से मैच करना है,
लास्ट क्या बचा है अब 38, तो इसको इससे मैच कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 42, इस रो में 42। अब इस रो में देखो 42 कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढो, देखो 42 कहाँ पे है, 42, इस 42 को इस 42 से मैच करना है, मैच कर। ओके 55, अब देखिए 55 कहाँ लिखा हुआ है इस रो में, ये तो 59 है, ये 62 है, ये 67 है, ये है 55, क्या है 55, तो 55 को 55 से मैच किया। नेक्स्ट है 59, अब आप देखिए 59 कहाँ है, सबसे फर्स्ट से स्टार्टिंग करो, 59 लिखा हुआ है ना, 59, तो 59 को 59 से मैच किया। ओके स्टूडेंट्स 62, अब आप देखिए इस रो में 62 कहाँ है, 59 आ गया, 62, ये 62 है, तो 62 को 62 से मैच कर दो, 62, 67, अब आप देखिए 67 कहाँ पर है, 67, तो 67 को 67 से मैच किया। ओके स्टूडेंट्स 75, अब आप देखिए 75, ये तो 92 है, 98 है, 84 है, ये है 75, तो आप देखिए 75 को किससे मैच करना है हमें, 75 से, तो 75 को हमने 75 से मैच कर दिया। ओके 84, अब 84 को 84 से मैच करना है, अब आप देखिए 84 को 84 से मैच करो। ओके स्टूडेंट्स 92, अब आप देखिए 92, इस रो में 92 देखो कहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 92, तो 92 को सॉरी 92 से मैच करना। ओके लास्ट हमारा 98, अब 98 को किससे मैच करना है, 98 से, लास्ट 98 है, 98 को 98 से मैच कर दो। ओके स्टूडेंट्स आपको ये वर्क मैच द सेम नंबर्स अपनी मैथ की नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट थैंक यू।